हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जितने भी नई नई वीडियो अपलोड होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था फ्रेंड इंट्रो सीखा था। और आज की जो हमारी क्लास है वो है डोंट एंड प्लीज का प्रयोग, यूज ऑफ डोंट एंड प्लीज। डोंट एंड प्लीज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किन सेंटेंस में करते हैं, वही आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि डोंट का यूज और प्लीज का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे आप जानते हैं डोंट क्या होता है, डोंट का यूज हम करते कहाँ है। डोंट का यूज करते हैं जब हमें किसी काम के लिए किसी से मना करना होता है, किसी काम के लिए किसी से मना करना होता है। वैसे तो ये डोंट जो है डू नॉट का ये फॉर्म है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, डू नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी डोंट। पूछते हैं बच्चे कि डू नॉट और डोंट में इसमें डिफरेंस क्या होता है। डू नॉट ही डोंट से मिलकर बना है, लेकिन डोंट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। डू नॉट में हम लाइफ टाइम में सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, उसमें करते हैं हम। एंड डोंट का यूज करते हैं जो तुरंत के लिए मना करना है, जस्ट के लिए मना करना है। हमारे सामने हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है तो हमें उसे अभी के लिए मना करना है कि शोर मत मचाओ, तो हम डोंट का यूज करेंगे डोंट में करो लाइक इट। एंड अब आती बात है प्लीज, प्लीज का यूज कहाँ करना है आपको, ठीक है। प्लीज का यूज हम करते हैं जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, किसी अपना काम करवाना चाहते हैं, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर हम प्लीज का यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में आस्किंग फॉर समथिंग में प्लीज का यूज करा था, काफी करा था। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कैन आई हैव योर मार्कर प्लीज, मे आई हैव योर बुक प्लीज, लाइक इज आपने काफी सारे सेंटेंस प्लीज के थ्रू ही बोले थे, बट वहां हमने प्लीज का कोई भी डिटेल में नहीं समझाया था। तो हमारे इस वीडियो में क्लास में आप प्लीज का डिटेल सीखेंगे और डोंट का। प्लीज का यूज हम कहा करते हैं जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, अपने रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम आप प्लीज का यूज करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, अनु प्लीज प्रिपेयर द टी, हमें अनु से कह रहा है चाय बना दो, तो हम कैसे बोलेंगे। चाय बनाने के लिए हमने जरूरत नहीं कृपया लगाए हिंदी में कृपया चाय बना दो, लेकिन हम अपना काम करवा रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाय बना दो, तो हम उसको प्लीज में बोलेंगे अनु प्लीज प्रिपेयर द टी। क्या बोलेंगे, अनु प्लीज प्रिपेयर द टी कि चाय बना दो, ठीक है। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, चाय टी मीन्स चाय, अनु प्लीज प्रिपेयर द टी। इस तरह से हमें जिस तरह की कहना है उसका पहले नाम बोले, फिर प्लीज का ऐड करें, और जो भी काम आपको करवाना है तो हम अपनी एक्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए अनु प्लीज प्रिपेयर द टी। नेक्स्ट ऑफ देखते हैं एग्जांपल, मम्मा प्लीज नीड द डो, मम्मी से कह रहा है मम्मी प्लीज आटा गूंद दो, आटा गूंद दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी, तो कैसे कहेंगे मम्मा प्लीज नीड द डो। यहाँ नीड मिस तो हो गया भाई गीला आटा, डो मिस हो गया गूंदना, ठीक है, गीला आटा मिस नीड और डो मिस हो गया गूंदना, तो नीड द डो आटा गूंदना, अब हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं तो मम्मा प्लीज नीड द डो, ओके। अब हमारी कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है जब हमें मना भी करना होता है और रिक्वेस्ट भी करते हैं, किसी काम को मना करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे वहां प्लीज और डोंट दोनों का यूज होता है। देखिए उसके एग्जाम्पल, सिखा प्लीज, हमें सिखा से मना करना है और रिक्वेस्ट भी करनी है। सिखा प्लीज डोंट स्पिट ऑन द रोड, सिखा से कहना भी सड़क पर मत थूको, तो यहाँ हम उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो सड़क पर थूकना ही हमारी एक्शन हो गई, स्पिट ऑन द रोड एक्शन है और हमें इसके लिए मना करना है, तो हमने यहाँ डोंट का यूज कर दिया, डोंट स्पिट ऑन द रोड, सड़क पर मत थूको, लेकिन हमें उससे रिक्वेस्ट करनी है, हमें सिखा से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम क्या बोल रहे हैं सिखा प्लीज, ये इस तरह से नेम बोला और यहाँ प्लीज कर गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम मना करने के लिए, ये काम तो उसने मना कर दिया डोंट कह के, बट हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिखा प्लीज डोंट स्पिट ऑन द रोड। इस तरह से हम ऐसी कंडीशन में दोनों का यूज कर देते हैं, प्लीज एंड डोंट, या प्लीज कहने के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉक होते हैं, सिखा प्लीज डोंट स्पिट ऑन द रोड, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पापा प्लीज डोंट स्कूल मम्मा, देखिए यहाँ भी हमारी दोनों ही कंडीशन में यूज कराने प्लीज एंड डोंट, पापा प्लीज डोंट स्कूल मम्मा, पापा से कहने पापा प्लीज मम्मी को मत डांटो, ओके, तो कैसे बोलेंगे हम, पापा प्लीज डोंट स्कूल मम्मा, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल,
मैंने आपका राज प्लीज कर्टेन योर माउथ बिफोर स्लीपिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डेली ये हमारे डेली लाइफ में काफी बोलते हैं काफी यूज करते हैं इसको लेकिन हमें किस बच्चे से कहना राज है राज से कहना राज प्लीज कर्टेन योर माउथ बिफोर स्लीपिंग मींस दमहाई लेने से पहले मुंह पर पर्दा करना कर्टेन मींस होता है पर्दा करना ओके और स्लीपिंग मींस छींकाना ठीक है वैसे योनिंग होता है योनिंग बोलते हैं खांसी आना है तो कफिंग बोलते हैं योर माउथ बिफोर कफिंग बिफोर योनिंग या बिफोर स्नीजिंग ही बोले तो ज्यादा बेटर है ओके लाइक दिस काफी सारे एग्जाम्पल है और देते हैं जैसे कि हमें कहना है शोर मत मचाओ कैसे बोलेंगे हम डोंट मेक अ नॉइज ठीक है एंड किसी से कहना है कार धीरे चलाओ ड्राइव द कार स्लो और तेज चलाओ ड्राइव द कार फास्ट एंड रिक्वेस्ट करनी है तो कह रहे हैं प्लीज ड्राइव द कार स्लो ठीक है मना करना है डोंट ड्राइव द कार फास्ट कार तेज मत चलाओ लाइक इज आपकी डेली रूटीन में आप काफी सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं और मना करते हैं तो अब से आप सारे सेंटेंस इंग्लिश में बोले क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी ठीक है तो आपकी आज वीडियो में आपने डोंट रूटीन से यूज तो सीख लिया है इससे आप डोंट का यूज भी पता चल गया आपको तुरंत ही मना करना है तो आप डोंट बोलेंगे किसी ने रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज का यूज करेंगे आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें।